हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकिता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। हर साल जनवरी 14 को मकर संक्रांति बनाया जाता है, लेकिन पिछले 2023 या 2024 जो कि जनवरी 15 को मकर संक्रांति बनाए जा रहे हैं, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी अच्छा से अपना त्यौहार बना ले, विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बने रहे। दोस्तों, मकर संक्रांति बनाया जाता है, इसमें बहुत से त्यौहार के मुख को मुरो है जिसको मिला के मकर संक्रांति बनाते हैं। कुछ त्यौहार के अनुजाई जो कहते हैं कि शास्त्र के अनुजाई हिंदू धर्म में मनाया जाता है कि जो सूर्यदेव है वो अपना दिशा बदल लेते हैं, इसको इस मकर संक्रांति को कोई उत्तरायण भी कहते हैं। विष्णु भगवान वरुण देव को लेके उत्तर दिशा में रथ लेके जाते हैं, कहते हैं कि आज उत्तरायण के दिन जो भी सूर्य देव से विष्णु भगवान से मांगते हैं, जो भी मांगते हैं उसका मनोकामना पूरा हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि विष्णु भगवान राक्षसों को मार के विजय प्राप्त हुआ था, उसके बाद से उत्तरायण जो कहते हैं मकर संक्रांति बनाया जाते हैं। इसमें शनिदेव भगवान का भी पूजा किया जाता है, और जो तिल लड्डू है, तिल लड्डू ही संक्रांति के सबसे मुख्य प्रमुख ये है त्यौहार। तिल है, तिल लड्डू बनाए आप एक दूसरे के घर में दे बांटे, जो आप एक दूसरे से तिल लड्डू बांटते हैं तो उसी उसमें जो पूर्ण होता है वही आपके घर में मिलता है, आपके घर परिवार में सुख शांति मिलते हैं। उसमें कहा जाता है कि जो मकर संक्रांति के दिन जो गाय को कुछ चारा वारा कुछ खिला देता है तो स्वयं विष्णु भगवान के जो पूर्ण होता है वो आपको मिल जाते हैं। और बच्चे लोग पतंग भी उड़ाते हैं उत्तरायण के दिन, के उस दिन विष्णु भगवान अपना वरुण देव को लेके सूर्योदय उत्तर दिशा में जाते हैं रात लेके, इसीलिए उस दिन पतंग भी उड़ाया जाता है, आप लोग भी पतंग उड़ाए। और तिल लड्डू गुड़ ये तो हर घर में काल मतलब त्यौहार में गुंजेगा, गुड़ के खुशबू, तिल के खुशबू, तो आप सभी के दिल में मन में मिठास बने रहे, गुड़ की मिठास बने रहे, मूँगफली के खुशबू आपके जीवन में साए रहे। हम भी बनाए हैं आपके लिए, कुछ लेके आए हैं, तीन लड्डू सब लड्डू है, आप लोग भी खाइए हमारे साथ। और आप सबसे निवेदन है, आप लोग प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मेरे आईडी को सपोर्ट करने के लिए। और तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरे आईडी से बने हैं, मेरे सब्सक्राइब है आप लोग, मुझे बहुत खुशी है। और मुझे सबसे बड़े खुशी होंगी जिस दिन मेरे आईडी मोनेटाइज होंगे, उस दिन मैं शायद मैं ज़िंदगी में सबसे खुशी के दिन होएगा वो पल, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से इस आईडी को चालू की हूँ। तो चालू करने के बाद पूरा एक साल से ज़्यादा हो गया, मेरे आईडी अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, एक साल लगा मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरा होने में, और पता नहीं शायद 10 साल भी लग जाए, लेकिन मेरे वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी में मेरे को बहुत दुख लगता है दोस्तों। जैसे कोई अपना पढ़ाई करके पास होता है तब जाके उसका फल उसका मेहनत मिलता है, अगर वो फेल होता है तो उसके दिल बहुत टूट जाता है, फिर सोचते हैं क्या करेंगे क्या करेंगे, फिर उसके दूसरी बार उसको मौका मिलता है उसको फिर उसको एग्जाम देने के लिए। तो ये यूट्यूब चैनल भी ऐसे ही है, अगर आपका जब तक अपना आपका वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, आपका आईडी मोनेटाइज नहीं होंगे, तब तक आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे, आपके परीक्षा होते रहेंगे। तो मैं भी बहुत मुश्किल से हूँ, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रहा है, अब तो मेरा दिल भी टूट गया है। तो जो है देखा जाएगा, बाकी आप लोग भी खुशी से रहिए, हैप्पी मकर संक्रांति, विष्णु भगवान आप सभी के ऊपर कृपा ऐसे ही बने रहे। शुक्रिया दोस्तों।